नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में, यानी कि आत्मसंयम के बारे में। दोस्तों, आपने कैंडल देखा होगा, और जब भी हम कैंडल जलाते हैं अंधेरे में, तब क्या होता है, तब उसके आसपास जो एक इंसेक्ट है या एक कीट है वो घूमता रहता है, और वो घूमते घूमते क्या करता है, उसको जो लौ होती है कैंडल की, उस लौ को वो टच करता रहता है। कब तक टच करता है, जब तक वो मर नहीं जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कीट है, ये जो पतंगा है, वो पतंगा क्या करता है, वो कैंडल की लौ जो है वो लौ के रूप से आकर्षित हो जाता है, और वो लौ के रूप से आकर्षित होता है और इतना आकर्षित हो जाता है कि उसको अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि मछली का। मछली क्या होती है, मछली को हम देखते हैं कि पानी के अंदर जब जो मछली पकड़ने वाला होता है वो कांटे के अंदर मांस को फंसा देता है, या मछली के खाने को फंसाता है और वो पानी में डालता है। तो जब भी वो मछली वो कांटे को देखती है तो उसको लगता है कि ये कितना अच्छा भोजन है, चलो मैं इसको खाऊं। हालांकि आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है पानी के अंदर, लेकिन फिर भी ये मछली जो है वो उसी कांटे की ओर अट्रैक्ट होती है और वो उस कांटे को खाने की कोशिश करती है, और खाने के बाद क्या होता है आप जानते ही हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि आपने भौंरा देखा होगा। भौंरा क्या करता है, हर फूल पे जाके सुगंध लेता है और उसका रस चूसता है। हमने देखा होगा कि भौंरा जो है वो कमल के ऊपर जाता है, उस पर बैठता है, और हमें पता है कि कमल क्या होता है, जैसे ही शाम होती है, सूरज ढल जाता है, वैसे ही कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, और बंद हो जाने के बाद हम देखते हैं कि सुबह जब फिर से वो खिलता है तब भौंरा जो है वो मरा हुआ पाया जाता है। तो हमने देखा कि भौंरा जो है वो फूल की सुगंध लेने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। और तीसरा आगे एग्जांपल हम लेते हैं कि हाथी का। जब भी अफ्रीका के अंदर किसी हाथी को पकड़ना होता है दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, वो हथिनी को लाते हैं, और हथिनी को क्या करते हैं, एक पेड़ के पास बांध देते हैं और फिर उसके आगे एक खड्डा खोद देते हैं, और वो हाथी जो है वो हथिनी का संग पाने के लिए क्या करता है, मदमस्त होके उसके पीछे आता है और उसके पास आता है, और जैसे ही वो उसके पास आता है वो खड्डे में गिर जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें क्या सिखाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमें कहीं ना कहीं ये सिखाते हैं कि ये सारे जो जानवर थे उनकी कोई ना कोई सेंस जो है या इंद्रियां जो है वो अनकंट्रोल्ड थी। हमने देखा पतंगा कि आँखों से वो रूप देख के पागल हो जाता है और वो आँखें उसकी अनकंट्रोलेबल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि भौंरे की सुगंध यानी कि नोज जो है वो उसका काबू में नहीं है, जिसकी वजह से वो जान गंवा देता है। तीसरा हमने देखा कि हाथी का एग्जाम्पल देखा। हाथी क्या है, हाथी वो स्किन एक संग पाने के लिए, एक स्किन का टच पाने के लिए क्या होता है, बेकाबू हो जाता है और अपनी जान गंवा देता है। आगे एक और एग्जाम्पल है कि हिरण का एग्जाम्पल है। हिरण क्या होता है, हिरण का शिकारी जो होता है जब उसका शिकार करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो मधुर संगीत बजाता है, और ये मधुर संगीत सुन के हिरण जो है वो अपने आप ही अट्रैक्ट होके ये म्यूज़िक के पीछे जाता है, और ये म्यूज़िक सुनते सुनते जैसे ही वो म्यूज़िक के पीछे जाएगा और नज़दीक पहुंचेगा तो वो शिकारी उसका क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो हिरण का जो है वो कान जो है, ईयर्स, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये सारी इंद्रियाँ, ये हर जानवर की एक इंद्रिय जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो उनको क्या देखना पड़ रहा है, उनको मौत का मुँह देखना पड़ रहा है। तो अगर हम मनुष्य जीवन की बात करें तो मनुष्य जीवन की तो हमारे मनुष्य जीवन में तो सारी इंद्रियां हमारी तो कंट्रोल में नहीं है। हमारी आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको जी करता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड घूमूं, हमें जी करता है कि ये मूवी देखूं, हमें जी करता है कि मैं कश्मीर चला जाऊँ। तो हमारी आँखें हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, हमारे कान हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम देखते हैं कि कई लोग इतना लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक के दीवाने होते हैं। फिर हम देखते हैं कि टंग के लिए हम देखते हैं कि दोस्तों क्या क्या लोग करते हैं। हमारी टंग भी हमारे काबू में नहीं है, लोग कुछ भी टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी तरह हमारी स्किन, हम देखते हैं कि हमें भी क्या है,
कि हमें भी स्त्री का संग पाने के लिए हम भी कई 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 अपराध कर बैठते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जानवरों को तो एक इंद्रियां काबू में नहीं है तो इनको मौत का सामना करने को पड़ रहा है। तो हमारी मनुष्य जीवन की तो सारी इंद्रियां जो हैं वो काबू में नहीं है तो हमारे जीवन का जो परिणाम होगा वो क्या हो सकता है दोस्तों। तो ये मनुष्य जीवन जो है किस लिए मिला है, हमें आत्मसंयम के लिए मिला है। जो हमारा संपूर्ण शरीर है, आत्मा है, मन है, बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, इन सारी चीज़ों का क्या है, हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए मिला है। अगर हम संतुलित जीवन नहीं जिएंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारा कैरेक्टर जो है वो ख़राब हो सकता है। हम देखते हैं दोस्तों कि कैरेक्टर का जो है वो जीवन के एक पहलू में कोई उसका उपयोग नहीं है या उसका वैल्यू नहीं है। कैसे वैल्यू नहीं है, जैसे आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसमें अच्छे कैरेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसमें कैरेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है। आपका कैरेक्टर खराब होगा लेकिन आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि भाई आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आपके पास प्रतिष्ठा आ सकती है, आपके पास सत्ता आ सकती है, लेकिन एक चीज़ की कमी रह जाएगी दोस्तों, वो है शांति की और आत्मसंतुष्टि की। तो अगर आपको आत्मसंतुष्टि वाला जीवन जीना है, शांतिमय जीवन जीना है तो कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी। हम देखते हैं दोस्तों कि कई लोग सिगरेट के दीवाने होते हैं, कई लोग अल्कोहल के दीवाने होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनका जो है वो इंद्रियों पर काबू नहीं है। भगवद गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपना मन जो है, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना है। कैसे उद्धार करना है, उसको कंट्रोल करके उद्धार करना है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन कंट्रोल में है वो मन जो है वो उसका मित्र है, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो मन जो है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस तरीके से हमने देखा जो मन जो है हमारे इंद्रिय कंट्रोल के अंदर या अच्छी आदतें डेवलप करने के अंदर मन का जो है वो रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं, मन को फॉलो करते हैं। हमने कई बार मूवीज़ में देखा है कि अगर कोई सवाल का जवाब ना मिले तो आप अपने मन को फॉलो करो दोस्तों, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जो हमारा तनाव बढ़ा देता है। कई लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा शरीर है, मैं अपने जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा करने में हम सोचते हैं कि हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा या हम रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उल्टा क्या हो जाता है, हमारा टेंशन बढ़ जाता है, हमारा तनाव जो है वो बढ़ता रहता है। तो अल्टीमेट मैसेज ये है आज का कि आपको जो अपनी इंद्रियां जो है उसको काबू में करो, और उसको काबू में कैसे करना है, हमें मन को पहले काबू में करेंगे तो इंद्रियां अपने आप जो है वो कंट्रोल में आ सकती हैं। और मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को हमें अपनी बुद्धि से कंट्रोल करना है, और बुद्धि हमें आइडिया देगी, और बुद्धि से हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि हमें ये काम नहीं करना है, और ये काम नहीं करने के लिए फिर अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, मन को कंट्रोल करेंगे तो हमें एक शांति प्रिय जीवन, जिसका मन कंट्रोल में है ना दोस्तों, वो ही शांति प्रिय जीवन जी सकता है, वही संतुष्ट रह सकता है। लेकिन अगर आपकी इंद्रियां काबू में नहीं है तो हमने देखा कितने पतंगा का एग्जाम्पल देखा, हमने हाथी का एग्जाम्पल देखा, हमने भौरे का एग्जाम्पल देखा, हमने हिरन का एग्जाम्पल देखा, हमने मछली का एग्जाम्पल देखा, ये सारे लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ रहा है। और हम अपने मनुष्य जीवन में अपने आसपास भी हम देख सकते हैं कि कई लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिक्शन की बात है कि कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, इन लोगों के लिए ही मन कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर एक आप विद्यार्थी हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इंद्रियां कंट्रोल नहीं करोगे तो आप व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, खेलने कूदने में अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, सोने में अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है, हम जो कहते हैं वो मानती नहीं है। तो इसीलिए इंद्रियां कंट्रोल करना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है सफल होने के लिए। एक प्रोफेशनल लाइफ, एक फैमिली लाइफ, एक शांति प्रिय लाइफ और एक संतुष्ट लाइफ जीवन जीने के लिए आत्मसंयम बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप जो है वो सुखी नहीं रह सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।